हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड टैप द बेल आइकन, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो ये मेरा बैकग्राउंड आपको कैसा लग रहा है? आज मैं आपको यही बैकग्राउंड बनाने बताऊँ। इसको कैसे बनाना है तो मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं और भी इसके साथ साथ कुछ अच्छा बैकग्राउंड आपको बताऊँगी बनाकर, जो आप घर पर ही ईजी तरीके से बना सकते हो, उसमें कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला बैकग्राउंड है, उसके लिए हमें चाहिए एक पुरानी साड़ी। आप कोई सी भी आपकी मम्मी की साड़ी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये साड़ी ली है और इसको मैंने एक रस्सी से बांध दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर बैकग्राउंड चाहिए मेरा। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको पूरा एक साथ करके इस टाइप से और रस्सी से बांध देना। उसके बाद इसको ऐसे फैलाकर इधर से टेप से चिपकाना है, उधर से टेप से चिपकाना। मैं आपको टेप से लगाने के बाद में फिर आपको बताती हूँ कि इसका फाइनल लुक क्या है। हमको यहाँ पर बैठ के वीडियो या फोटो शूट करना है तो ये नीचे से बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर से हाँ ये ऐसा दिखेगा, पर नीचे से हमारा काम चल जाएगा। मैं इसमें आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फाइनली बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है। तो ये एक सिंपल सी साड़ी है। आप कोई सी भी सिंपल सी पुरानी साड़ी ले सकते हैं या फिर नई साड़ी भी ले सकते हैं। आपको जो साड़ी अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं। उसके बाद में बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा। और इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इसमें सीरीज लगा के बताती हूँ आपको। तो हमारा फर्स्ट बैकग्राउंड लुक कुछ इस तरह का रहेगा। आप इसमें और भी सीरीज ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इतनी थी तो मैंने इतनी लगा दी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला बैकग्राउंड अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ सीरीज वगैरह भी लगा दी है। इसके बाद में हमारा फाइनली बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का रहेगा। तो आई होप आपको ये वाला बैकग्राउंड मेरा अच्छा लगा होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप कोई सी भी साड़ी से भी बना सकते हो, उस पर सीरीज लगा सकते हो। आप चाहे तो और भी कुछ अपनी तरफ से कुछ लगा के उसे और अच्छा बना सकते हो। देखिए अच्छा लग रहा है ना बैकग्राउंड। तो जी, हमें ये वाले बैकग्राउंड के लिए चाहिए सिर्फ एक चटाई। आपके घर में चटाई तो होगी, तो ये है असली में एक चटाई। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। ये देखिए जी, ये एक चटाई है जिसको मैंने इसे दीवार पर लगा दी है और यहाँ पर मैंने बैठ के वीडियो शूट किया है। तो ये चटाई है बिछाने वाली, जिस पर हम बिछा के उसको बैठते हैं। तो आप इस टाइप की जो भी आपके घर में खूबसूरत सी चटाई है, उसे इसे दीवार से लगाकर और एक बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो ये था मेरा सेकंड बैकग्राउंड आइडिया। आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इसी के साइड में कुछ फ्लावर वगैरह भी रख सकते हैं, मैं आपको करके बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर प्लांट रख दिया, उसके ऊपर कुछ सीरीज लगा दी है और ये रहा हमारा फाइनल बैकग्राउंड लुक। ये रोक्सी ने इसकी मिट्टी निकाल ली है। तो अगर आपके घर में डॉग है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये रोक्सी को भी ये बैकग्राउंड अच्छा लगा है। जब से मैंने बनाया वो यहीं पर आके खेल रही है। रोक्सी, नो नो नो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।